नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि किस प्रकार महारथी कर्ण पितामह भीष्म से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर युद्ध के मैदान की तरफ प्रस्थान कर गए। संजय कहते हैं, राजन, भीष्म से आज्ञा लेकर जब कर्ण युद्ध के लिए जा रहा था तो उसे रथ पर बैठा देख दुर्योधन ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम्हारे द्वारा इस सेना का संरक्षण हो रहा है, इससे मैं इसे सनात हुई सी मानता हूं। अब यहां हमारे लिए क्या करना उपयोगी है और हितकर है, इसका निश्चय करो। कर्ण ने कहा, पुरुष सिंह नरेश्वर, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, स्वयं ही अपना विचार हमें बताओ, क्योंकि धन का स्वामी उसके संबंध में आवश्यक कर्तव्य का जैसा विचार करता है वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। अतः नरेश्वर, हम सब लोग तुम्हारी ही बात सुनना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि तुम कोई ऐसी बात नहीं कहोगे जो न्याय संगत न हो। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, पहले आयु बल पराक्रम और विद्या में सबसे बड़े चढ़े पितामह भीष्म हमारे सेनापति थे। वे अत्यंत यशस्वी महात्मा पितामह समस्त योद्धाओं को साथ ले उत्तम युद्ध प्रणाली द्वारा मेरे शत्रुओं का संहार करते हुए 10 दिनों तक हमारा पालन करते आए हैं। वे तो अत्यंत दुष्कर कर्म करके अब स्वर्गलोक के पथ पर आरूढ़ हो गए हैं। ऐसी दशा में उनके बाद तुम किसे सेनापति बनाए जाने योग्य मानते हो? सम्रांगण में हे श्रेष्ठ वीर, कौन ऐसा होगा जो कौरव सेना का संरक्षण कर पांडव सेना का संहार कर सकेगा? सेनापति के बिना कोई सेना 2 घड़ी भी संग्राम में टिक नहीं सकती, ठीक उसी तरह जैसे मल्लाह के बिना नाव जल में स्थिर नहीं रह सकती। जैसे बिना नाविक की नाव जहां कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति के बिना सेना भी जहां चाहे भाग सकती है। जैसे कोई मार्गदर्शक न होने पर यात्रियों का सारा दल भारी संकट में पड़ जाता है, उसी प्रकार सेना नायक के बिना सेना को सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः तुम मेरे पक्ष के सब महामनस्वी वीरों पर दृष्टि डालकर यह देखो कि भीष्म जी के बाद अब कौन उपयुक्त सेनापति हो सकता है। इस युद्ध स्थल में तुम जिसे सेनापति पद के योग्य बताओ, निसंदेह हम सब लोग मिलकर उसी को सेना नायक बनाएंगे। कर्ण ने कहा, राजन, ये सभी महामनस्वी पुरुष प्रवर नरेश सेनापति होने के योग्य हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो राजा यहां मौजूद हैं वे सभी अपने कुल शरीर ज्ञान बल पराक्रम और बुद्धि की दृष्टि से सेनापति पद के योग्य हैं। ये सब के सब विदग्ध बुद्धिमान और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले हैं, परंतु सब के सब एक ही समय सेनापति नहीं बनाए जा सकते। इसलिए जिस एक के भी विशिष्ट गुण हो उसी को अपनी सेना का प्रधान बनना चाहिए, किंतु ये सभी नरेश परस्पर एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले हैं। यदि इनमें से किसी एक को सेनापति बना लोगे तो शेष सब लोग मन ही मन अप्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे हित की भावना से युद्ध नहीं करेंगे, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए जो इन समस्त योद्धाओं के आचार्य वयोवृद्ध गुरु तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं वे हैं आचार्य द्रोण। आचार्य द्रोण ही इस समय सेनापति बनाए जाने के योग्य हैं। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ दुर्जय वीर द्रोणाचार्य के रहते हुए इन शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान महानुभाव को छोड़कर दूसरा कौन सेनापति हो सकता है? हे भारत, समस्त राजाओं में तुम्हारा कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो समर भूमि में आगे जाने वाले द्रोणाचार्य के पीछे न जाए। राजन, तुम्हारे गुरुदेव समस्त सेनापतियों शस्त्रधारियों और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। अतः दुर्योधन, जैसे असुरों पर विजय की इच्छा रखने वाले देवताओं ने रणक्षेत्र में कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया था, इसी प्रकार तुम भी आचार्य द्रोण को शीघ्र सेनापति बनाओ। इस उपरांत संजय कहते हैं, राजन, कर्ण द्वारा सेनापति के लिए द्रोणाचार्य के नाम का प्रस्ताव सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने सेना के मध्य भाग में स्थित हुए आचार्य द्रोण से इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, द्विज श्रेष्ठ, आप उत्तम वर्ण
श्रेष्ठ कुल में जन्म, शास्त्र ज्ञान, अवस्था, बुद्धि, पराक्रम, युद्ध कौशल, अजयता, अर्थ ज्ञान, नीति, विजय, तपस्या तथा कृतज्ञता आदि समस्त गुणों के द्वारा सबसे बड़े चढ़े हैं। आपके समान योग्य संरक्षक इन राजाओं में कोई भी दूसरा नहीं है। अतः जैसे इंद्र संपूर्ण देवताओं की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार आप हम लोगों की रक्षा करें। हम आपके नेतृत्व में रहकर शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं। रुद्रों में शंकर, वसुओं में पावक, यक्षों में कुबेर, देवताओं में इंद्र, ब्राह्मणों में वशिष्ठ, तजोमय पदार्थों में भगवान सूर्य, पितरों में धर्मराज, जलचरों में वरुण देव, नक्षत्रों में चंद्रमा और दैत्यों में शुक्राचार्य के समान आप समस्त सेनानायकों में श्रेष्ठ हैं। अतः हमारे सेनापति बनिए। अनघ, मेरी 11 अक्षोहिणी सेनाएं आपके अधीन रहें। उन सबके द्वारा शत्रुओं के मुकाबले में व्यूह बनाकर आप मेरे विरोधियों का उसी प्रकार नाश कीजिए जैसे इंद्र दैत्यों का नाश करते हैं, जैसे कार्तिकीय देवताओं के आगे चलते हैं, उसी प्रकार हम लोगों के आगे चलिए। जैसे बछड़े सांड के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार युद्ध में हम सब लोग आपके पीछे चलेंगे। आपको अग्रगामी सेनापति के रूप में देखकर भयंकर धनुष धारण करने वाले महान धनुर्धर अर्जुन अपने दिव्य धनुष की टंकार फैलाते हुए भी प्रहार नहीं करेंगे। पुरुष सिंह, यदि आप मेरे सेनापति हो जाएं, तो मैं युद्ध में निश्चय ही भाइयों तथा सगे संबंधियों सहित युधिष्ठिर को जीत लूंगा। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर सब राजा अपने महान सिंहनाद से आपके पुत्र का हर्ष बढ़ाते हुए द्रोण से बोले, आचार्य आपकी जय हो। दूसरे सैनिक भी प्रसन्न होकर दुर्योधन को आगे करके महान यश की अभिलाषा रखते हुए द्रोणाचार्य की प्रशंसा करके उनका उत्साह बढ़ाने लगे। संजय कहते हैं, राजन, जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से सेनापति बनने के लिए प्रार्थना की तो द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं 6 अंगों सहित वेद, मनुजी का कहा हुआ अर्थशास्त्र, भगवान शंकर की दुही, बाण विद्या और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी जानता हूं। विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम लोगों ने मुझ में जो जो गुण बताए हैं, उन सब को प्राप्त करने की इच्छा से मैं पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। राजन, मैं द्रुपद कुमार दृष्टद्युम्न को युद्ध स्थल में किसी प्रकार भी नहीं मारूंगा, क्योंकि वह पुरुष प्रवर दृष्टद्युम्न मेरे ही वध के लिए उत्पन्न हुआ है। मैं समस्त सोमकों का संहार करते हुए पांडव सेनाओं के साथ युद्ध करूंगा, परंतु पांडव लोग युद्ध में प्रसन्नतापूर्वक मेरा सामना नहीं करेंगे। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार आचार्य द्रोण की अनुमति मिल जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने उन्हें शास्त्रीय विधि के अनुसार सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। तदनंतर जैसे पूर्वकाल में इंद्र और देवताओं ने स्कंद को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया था, उसी प्रकार दुर्योधन आदि राजाओं ने भी द्रोणाचार्य का अभिषेक किया। उस समय वाद्यों के घोष तथा शंखों की गंभीर ध्वनि के साथ द्रोणाचार्य के सेनापति बना लिए जाने पर सब लोगों के हृदय में महान हर्ष प्रकट हुआ। पुण्याह वाचन, स्वास्ति वाचन, सूत, मागध और बंदीजनों के स्त्रोत्र, गीता तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के जय जयकार के शब्द से एवं नाचने वाली स्त्रियों के नृत्य से द्रोणाचार्य का विधिवत सत्कार करके कौरवों ने यह मान लिया कि अब पांडव पराजित हो गए। राजन, महारथी द्रोणाचार्य सेनापति का पद पाकर अपनी सेना की व्यूहरचना करके आपके पुत्रों के साथ युद्ध के लिए उत्सुक हो आगे बढ़े। तथा सिंधुराज, जयद्रथ, कलिंग नरेश और आपके पुत्र विकर्ण, ये तीनों उनके दक्षिण पार्श्व का आश्रय ले कवच बांधकर खड़े हुए। गांधार देश के प्रधान घुड़सवारों के साथ जो चमकीले प्रयासों द्वारा युद्ध करने वाले थे, गंधर्वराज शकुनी उन दक्षिण पार्श्वों के युद्धों का प्रपक्ष बनाकर चला। कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विंशी शांति और दुशासन आदि वीर योद्धा बड़ी सावधानी के साथ द्रोणाचार्य के वाम पार्श्व की रक्षा करने लगे। उनके सहायक या प्रपक्ष थे सुदक्षिण आदि कंबोज देशीय सैनिक। ये सब लोग शंखों और यमनों के साथ महान वेगशाली घोड़ों पर सवार हो युद्ध के लिए आगे बढ़े। मद्र, त्रिगर्त, अम्बस्ट, प्रतिच्य, उदिच्य, मालव, शिबि, सूरसेन, शुद्र, मलद, सौबीर, कितव, प्राच्य तथा दक्षिणात्य वीर ये सब के सब आपके पुत्र दुर्योधन को आगे करके सूतपुत्र कर्ण के पृष्ठभाग में रहकर अपनी सेनाओं को हर्ष प्रदान करते हुए आपके पुत्रों के साथ चले।
समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ विकर्तन पुत्र कर्ण सारी सेनाओं में नूतन शक्ति और उत्साह का संचार करता हुआ संपूर्ण धनुर्धरों के आगे आगे चला। उसका अत्यंत कांतिमान विशाल ध्वज बहुत ऊंचा था, उसमें हाथी को बांधने वाली सांकल का चिन्ह सुशोभित था। यह ध्वज अपने सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा था। कर्ण को देखकर किसी को भी भीष्म के युद्ध में घराशायी होने जाने का दुख नहीं रह गया। कौरवों सहित जब राजा शोक रहित हो गए, हर्ष में भरे हुए बहुत से योद्धा वहां वेगपूर्वक बोल उठे, इस रण क्षेत्र में कर्ण को उपस्थित देख पांडव लोग ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि कर्ण सम्रांगण में इंद्र के सहित देवताओं को भी जीतने में समर्थ है। फिर जो बल और पराक्रम में कर्ण की अपेक्षा निम्न श्रेणी के हैं, उन पांडवों को युद्ध में पराजित करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीष्म ने तो युद्ध में कुंती कुमारों की रक्षा की है, परंतु कर्ण अपने तीखे बाणों द्वारा उनका विनाश कर डालेगा। प्रजानाथ इस प्रकार प्रसन्न होकर परस्पर बात करते तथा राधानंदर कर्ण की प्रशंसा और आदर करते हुए आपके सैनिक युद्ध के लिए चले। उस समय द्रोणाचार्य ने हमारी सेना के द्वारा शकट व्यूह का निर्माण किया था। युधिष्ठिर की व्यूह रचना। राजन, हमारे महामनस्वी शत्रु की सेना का क्रोंच व्यूह दिखाई देता था। भरत धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं ही प्रसन्नतापूर्वक उस व्यूह की रचना की थी। पांडवों के उस व्यूह के अग्रभाग में अपनी वानर ध्वजा को बहुत ऊंचे तक फहराते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन खड़े हुए थे। अमित तेजस्वी अर्जुन का वह ध्वज सूर्य के मार्ग तक फैला हुआ था। वह संपूर्ण सेनाओं के लिए श्रेष्ठ आश्रय तथा समस्त धनुर्धरों के तेज का पुंज था। वह ध्वज पांडुनंदन महात्मा युधिष्ठिर की सेना को अपने दिव्य प्रभा से उद्भासित कर रहा था, जैसे प्रलयकाल में प्रज्वलित सूर्य सारी वसुधा को दिदीप्यमान करते दिखाई देते हैं। उसी प्रकार बुद्धिमान अर्जुन का वह विशाल ध्वज सर्वत्र प्रकाशमान दिखाई देता था। समस्त योद्धाओं में अर्जुन श्रेष्ठ हैं, धनुषों में गांडीव श्रेष्ठ है। संपूर्ण चेतन सत्ताओं में सच्चिदानंदन वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं और चक्रों में सुदर्शन श्रेष्ठ है। श्वेत घोड़ों से सुशोभित वह रथ इन चार तेजों को धारण करता हुआ शत्रुओं के सामने उठे हुए कालचक्र के समान खड़ा था। इस प्रकार वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन अपनी सेना के अग्रभाग में सुशोभित हो रहे थे। संजय कहते हैं, राजन, आपकी सेना के प्रमुख भाग में कर्ण और शत्रुओं की सेना के अग्रभाग में अर्जुन खड़े थे। वे दोनों उस समय विजय के लिए रोषावेश में भरकर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से रण क्षेत्र में परस्पर दृष्टिपात करने लगे। तदनंतर सहसा महारथी द्रोणाचार्य आगे बढ़े, फिर तो भयंकर आर्तनाद के साथ सारी पृथ्वी कांप उठी। इसके बाद प्रचंड वायु के वेग से बड़े जोर की धूल उठी, जो रेशमी वस्त्रों के समुदाय से प्रतीत होती थी। इसी तीव्र एवं भयंकर धूल ने सूर्य सहित समूचे आकाश को ढक लिया। आकाश में मेघों की घटा नहीं थी, तो भी वहां से मांस रक्त तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। नरेश्वर उस समय गीदबाज बगले कंक और हजारों कौवे अपनी सेना के ऊपर उड़ने लगे। गीदड़ जोर जोर से दारुण एवं भयादायक बोली बोलने लगे और मांस खाने तथा रक्त पीने की इच्छा से बारंबार आपकी सेना को दाहिनी करके घूमने लगे। उस समय एक प्रज्वलित एवं दिदीप्यमान उल्का युद्ध स्थल में अपने पुच्छ भाग द्वारा सबको घेरकर भारी गर्जना और कंपन के साथ पृथ्वी पर गिरी। राजन, सेनापति द्रोण के युद्ध के लिए प्रस्थान करते ही सूर्य के चारों ओर बहुत बड़ा घेरा पड़ गया और बिजली चमकने के साथ ही मेघ गर्जना सुनाई देने लगी। ये तथा और भी बहुत से भयंकर उत्पात प्रकट हुए, जो युद्ध में वीरों की जीवन लीला के विनाश की सूचना देने वाले थे। तदनंतर एक दूसरे की बद की इच्छा वाले कौरव तथा पांडवों की सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा और उनके कोलाहल में सारा जगत व्याप्त हो गया। क्रोध में भरे हुए पांडव तथा कौरव विजय की अभिलाषा लेकर एक दूसरे को तीखे अस्त्र शस्त्र द्वारा मारने लगे। वे सभी योद्धा प्रहार करने में कुशल थे। महान धनुर्धर महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने पांडवों की विशाल सेना पर सैकड़ों पहने बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से आक्रमण किया। राजन, उस समय द्रोणाचार्य को युद्ध के लिए उद्दत देख सरंजित सहित पांडवों ने पृथक पृथक बाणों की वर्षा करते हुए उनका सामना किया। जैसे वायु बादलों को उड़ाकर छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के द्वारा शत विक्षत हुए पांचालों सहित
पांडवों की विशाल सेना तितर बितर हो गई। द्रोण ने युद्ध में बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके क्षण भर में पांडवों तथा सृंजों को पीड़ित कर दिया, जैसे इंद्र दानवों को पीड़ा देते हैं। उसी प्रकार द्रोणाचार्य से पीड़ित हो दृष्टद्युम्न आदि पांचाली योद्धा भय से कांपने लगे। तब दिव्यास्त्रों के ज्ञाता यज्ञसेन कुमार शूरवीर महारथी दृष्टद्युम्न ने अपने बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य के सीनों को बारंबार घायल किया। बलवान द्रुपद पुत्र ने अपने बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य की बाण वृष्टि को रोककर समस्त कौरव सैनिकों को मारना आरंभ किया। तब महान धनुर्धर द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को काबू में करके उसे युद्ध स्थल में स्थिर भाव से खड़ा कर दिया और द्रुपद कुमार पर धावा किया, जैसे क्रोध से भरे हुए इंद्र सहसा दानों पर बाणों की वर्षा करते हैं। उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने दृष्टद्युम्न पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा आरंभ कर दी, जैसे सिंह दूसरे मृगों को भगा देता है। उसी प्रकार द्रोणाचार्य के बाणों से विकंपित हुए पांडव तथा सृंजय बारंबार युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। राजन, शास्त्रोक्त विधि से निर्मित हुआ आचार्य द्रोण का वह श्रेष्ठ रथ आकाशचारी गंधर्व नगर के समान जान पड़ता था। वायु के वेग से उसकी पताका फहरा रही थी। वह रथी के मन को प्रहलाद प्रदान करने वाला था। उसके घोड़े उछल उछल कर चल रहे थे। उसका ध्वज दंड सप्तिक मणि के समान स्वच्छ एवं उज्ज्वल था। वह शत्रुओं को भयभीत करने वाला था। उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर द्रोणाचार्य शत्रु सेना का संहार कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। आशा करता हूं आज का यह अंक आपको बेहद ज्ञानवर्धक और रोचक लगा होगा। आगे की कहानी हम आपको अगले अंक में बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल शब्दमान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल शब्दबाण को खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं। उसके लिए आपको खबरी ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।